हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों, अब तक जो टोटल एलिमेंट्स हमें नोन है, 118 के अप्रोक्सीमेटली एलिमेंट्स जो हैं हमें नोन है। इनमें से जो नेचुरली एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दे आर नोन एज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ये सभी एलिमेंट जो हैं नेचर में प्रेजेंट थे पहले से ही, तो दे आर कॉल्ड नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। जो हैवियर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, उनको मैन के द्वारा सिंथेसाइज किया गया लेबोरेटरी में, एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स। ये लेबोरेटरी में जो थे वो बनाए गए एलिमेंट्स, सो आर कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी भी, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, सिमिलर हैं, उनको एक ग्रुप में वर्टिकली रखा गया और जो दूसरे एलिमेंट थे उनको दूसरे ग्रुप्स में रखा गया। तो ये जो अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की, जिनमें जो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टूगेदर, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको सेम ग्रुप में रखा गया, तो सच सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जरूरत इसकी क्यों पड़ी, ताकि एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट जो हैं जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, या जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप्स में रखा जा सके। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थी बच्चों, इन्हें एक टेबल का रूप दिया गया, दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एंड दैट टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इट इज द अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन विच एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर वर्टिकली and elements with different properties are grouped separately. तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या बनी बच्चों, इट इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, एक टेबल की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, कैसे, इन विच एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है, दे आर ग्रुप टूगेदर वर्टिकली, ग्रुप्स में रखा गया, राइट, ऐसे ग्रुप्स में रखा गया वर्टिकली, दीज आर ग्रुप्स
ग्रुप्स में रखा गया एंड एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड सेपरेटली. जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट है उन्हें सेपरेटली रखा गया. तो इट वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल. इस्लाम में डोबरिनियर्स ने यह बताया व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स. थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप है उसे ट्राइड का नाम दिया गया. तो जो सेंटर वन एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट जो है वो अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के बराबर है. ठीक है, इस लॉ को डोबरिनियर्स ने क्या कहा, डोबरिनियर्स ट्राइड लॉ. तो डोबरिनियर्स ने ये एग्जांपल से हम समझते हैं ये तीन एलिमेंट्स हैं लिथियम सोडियम एंड पोटाशियम. इन तीनों का जो एटॉमिक वेट लिथियम का 7 है सोडियम का 23 एंड पोटाशियम 39. अब ये जो ट्राइड है एलिमेंट्स का इनमें जो सेंट्रल वन एलिमेंट है सोडियम इसका जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के अरिथमेटिक मीन के बराबर है. कैसे, लिथियम का 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 46 डिवाइडेड बाय 2 और 23. तो इस तरह से डोबरिनियर्स ने अपना जो लॉ बनाया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दिस लॉ इज कॉल्ड डोबरिनियर्स ट्राइड लॉ. अब सेकंड जो पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में लॉ आया वो पढ़ते हैं. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इस लॉ में न्यूलैंड ने हमें यह बताया व्हेन द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है अरेंज किया जाता है तो हर 8th एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी हैं, 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हैं. जस्ट लाइक द म्यूजिकल स्केल्स, जैसे फर्स्ट म्यूजिकल स्केल के साथ 8वां स्केल जो है वो मिलता है, उसी प्रकार जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ मिलती हैं. सो दिस लॉ वॉज नेम्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आ गया 11. अब सोडियम जो है उसकी बताया कि ये एलिमेंट्स हैं लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मिलती हैं. तो अगर काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये 8वां एलिमेंट है. जस्ट लाइक द म्यूजिकल स्केल इसकी प्रॉपर्टी जो है लिथियम से मिलती है एंड दिस लॉ इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. अब बच्चों हम पढ़ते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन की अपनी स्टडी की उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को लिया एंड कोरिलेटेड विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. तो मेंडलीव ने ये फाइंड आउट किया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ
there एटॉमिक वेट. मेंडलीफ ने अपने ला में क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. माने मींस वे जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक वेट के साथ रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल. दैट इज the physical and chemical properties of elements repeat after certain regular intervals when arranged according to their atomic weights. जब हम elements को उनके atomic weights के according क्लासिफाई करते हैं तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सर्टन रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है एंड इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. ये जो रेपिटेशन है प्रॉपर्टी की इसे कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट. तो ये जो लॉ मेंडलीफ ने दिया, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, इस बेस के ऊपर मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया. एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, बाकी जो एलिमेंट्स थे उनकी डिस्कवरी बाद में हुई. तो ये जो 63 एलिमेंट्स थे इनको लेकर मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया विच वॉज नोन एज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. अपना लॉ दिया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, उसके बेस के ऊपर मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया विच इज नोन एज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जब मेंडलीफ ने बनाया तो बच्चों उस वक्त 63 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे. तो उन 63 एलिमेंट्स को सिस्टमेटिकली मेंडलीफ ने ग्रुप्स और पीरियड में डिवाइड किया. तो पहले पढ़ते हैं ग्रुप्स. ग्रुप्स क्या होते हैं, द वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. तो बच्चों पीरियोडिक टेबल में ऐसे वर्टिकल कॉलम होते हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं. तो मेंडलीफ ने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उसने जीरो ग्रुप से शुरू किया, जीरो ग्रुप, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट. टोटल नाइन ग्रुप्स में सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया. इन ग्रुप्स में जीरो ग्रुप और एट्थ ग्रुप को छोड़ के बाकी के जो ग्रुप हैं उनको फर्दर टू सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड बी. फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है फर्स्ट, इसको दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ए एंड बी. एंड सिमिलरली जैसे सेकंड ग्रुप है इसको भी दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ए एंड बी, जीरो और एट को छोड़. तो ये था ग्रुप्स के बारे में. इसके अलावा मेंडलीफ ने पीरियड्स में भी पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स बनाए. पीरियड्स क्या है, द हॉरिजॉन्टल
roles in the periodic table. जो horizontal rows होती हैं periodic table में उन्हें periods कहा जाता है. Horizontal rows कैसे होती हैं? Like this. These are horizontal rows. तो Mendeleev के periodic table में there are 7 periods. तो 7 periods में Mendeleev ने अपने periodic table को divide किया. तो ये था Mendeleev periodic table के बारे में बच्चों. अब हम पढ़ते हैं significance of Mendeleev periodic table. Significance of Mendeleev's periodic table. First significance is systematic study of elements. मेंडेलीव से पहले जो पीरियोडिक टेबल थे उनमें एलिमेंट्स की जो स्टडी थी इतनी सिस्टमेटिक नहीं थी, लेकिन मेंडेलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया उसमें अपने एटॉमिक वेट को उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के साथ कोरिलेट किया. दैट इज द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. तो इस बेस पे मेंडेलीव ने बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी जो थी वो एलिमेंट्स की बनाई. वे जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है दे आर प्लेस्ड टुगेदर. अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट किसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता है तो वी कैन जज दी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स. हम दूसरे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंड प्रेडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट. मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में बच्चों कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ दी. वो एम्प्टी स्पेसेस किसके लिए छोड़ी? जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे. मेंडेलीव ने प्रेडिक्ट किया ये कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये उन एलिमेंट्स के लिए हैं जो इन फ्यूचर डिस्कवर किए जाएंगे. उसके लिए उसने एम्प्टी स्पेस ही छोड़ दी. सो मेंडेलीव ने एक रास्ता ढूंढा भाई इस ग्रुप में ये वाले एलिमेंट जो हैं जब वो फाइंड आउट किए जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में ऐसे शामिल होंगी. ठीक है. तो सो ही प्रेडिक्टेड फॉर दी अननोन एलिमेंट्स. थर्ड prediction correction of doubtful atomic weight of elements. कुछ elements का जो atomic weight था वो doubtful था. जैसे बेरिलियम का एटॉमिक वेट पहले 13.5 डिटरमाइन किया गया, लेकिन मेंडेलीव ने इसका जो डाउटफुल एटॉमिक वेट था उसको करेक्ट किया एंड ही फाउंड दैट द एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इज नॉट 13.5, इट इज 9. तो बेरिलियम की जो पोजीशन थी उसको करेक्ट करके जो उसका सही एटॉमिक वेट था उसको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल थी. तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. अब बच्चों हम पढ़ते हैं डिफेक्ट्स इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. डिफेक्ट्स इन मेंडेलीव
पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा था, जो कि अल्कली मेटल्स का ग्रुप था. लेकिन हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो हैलोजन के साथ भी मिलती थी. हैलोजन्स विच आर केप्ट इन ग्रुप 7. सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर. इसको किसके साथ रखना चाहिए, वेदर इट हैज टू बी केप्ट विद दी अल्कली मेटल्स और विद दी हैलोजन्स. तो इस वजह से जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी वो क्लियर नहीं था भी किसके साथ इसको रखें. दिस वाज द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. सेकंड पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. बच्चों आइसोटोप्स होते हैं द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट. किसी एलिमेंट के वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है. जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्रोटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ट्रिटियम. अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी वो क्लियर नहीं थी. भाई हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं, जो बाकी के आइसोटोप्स हैं दो उनकी पोजीशन क्या है. अगर कार्बन के आइसोटोप्स हैं फॉर एग्जांपल कार्बन 12 कार्बन 14 इनकी पोजीशन आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में देयर वाज नो क्लियर कट आइडिया भी इनकी पोजीशन क्या है. तो दिस वाज द सेकंड डिफेक्ट इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. थर्ड पोजीशन ऑफ ग्रुप 8 एलिमेंट. ग्रुप 8 के जो एलिमेंट थे उनकी भी पोजीशन क्लियर नहीं थी पीरियोडिक टेबल में. ग्रुप 8 के एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है. फोर्थ डिफेक्ट पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वाज नॉट क्लियर. तो लैंथेनाइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो लैंथेनम के बाद आते हैं और एक्टिनाइड्स वो है जो एक्टिनियम के बाद आते हैं एलिमेंट्स. इन दोनों सीरीज के एलिमेंट्स की पोजीशन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्लियर नहीं थी. तो दीज वर द डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल.